I could not act as I said, okay, it just jumped at me. So I think I'm very fortunate this whole thing happened. I would really like to thank sir for this opportunity and the writer sir for writing this book, because if I'm taking it, I'd have to of course work hard as an actor to prove myself. I'm sure you all will love this book. Looking for that kind of look. So I was lucky. I've kept my hair long because I perform on stage. Most importantly, circus has been a ball reading scheme. Because ye bahut Mercurian character, it's not only like filled with one emotion, it's a bahut emotion. He's the hero of the film, but he's also got a lot of dark shades to him. I've read with my co-actors once, but I've spent a lot of time reading with her, and yeah, the taiyari chal rahi hai. And we also have our other members of the star cast here with us. I'd like to invite them on stage. I would also like to acknowledge our co-producers, Xavier Anthony and Mr. Anu Jain. Thank you so much for your support. And I'd like to now invite on stage from our star cast, we have with us Amit Pachauri, Suparna Malkar, and Preeti Chaudhary. Please be here with us on stage. Aap sab yahan aa jaiye, sab ek saath, pura cast. And we want all of you to say something about the role or about the project. Jaisa ki aapne ek baat boli connection. ये कनेक्शन कहीं खेल लेगा पूरा का पूरा. और ये जैसे ही मैं राजेश सर से मिला तो वो कनेक्शन फील हुआ मुझे, और इनको भी लगा कि हाँ यही है मेरा. मेरा इसमें नाम डीके है इसमें, और ही इज जैसे पीके में आप डीके हैं, ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड, ही वो उस तरह का रोल है जो कि मैंने आज तक कभी प्ले नहीं किया. मैंने हमेशा पॉजिटिव और इस तरह के कैरेक्टर्स किए, तो फर्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग नेगेटिव कैरेक्टर. एंड सो गुड रेंज फॉर यू एज एन एक्टर टू एक्सप्लोर. आई ऑलवेज लुक फॉर इट कि मतलब कोई अच्छी सी रेंज मिले मुझे. अच्छा कुछ मतलब ये अभी नेचुरल है, ये वो कैरेक्टर वाला वो सॉफ्टनेस हमें देखने को मिल रहा है. और क्या सर अभी तो आपको सबको ये जैसे ही नेचुरल है वैसा ही कर. थैंक यू. एंड वी लाइक टू हियर यू एज वेल अबाउट योर लुक. मुझे लग रहा है कि जैसे एंजेलिना जोली का लुक था, यू नो, इन द thrillers that she has done. So we'd love to know from you about the project. She's Preeti Chaudhary. Yeah. Hi, good evening everyone. Character is and वो तो आपकी शोभा या मंच पर आना बनता है. कुछ कहना चाहते हैं लेकिन माइक के बिना नहीं. आपको आप प्लीज जो भी कह रहे हैं माइक पर ही कहिए. अभी क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं सोच रहा था सबसे अच्छा पड़ोस किस साइड का है. माशाल्लाह ये पड़ोस अच्छा है. और मैं मुबारकबाद देने आया हूँ पूरी टीम को. जी ये फिल्म बनती है, 90 परिवार चलते हैं, तो हमारी शुभकामना है. इतनी मेहनत से फिल्म बनती है, और आप तो हमेशा माशाल्लाह हिंदी भी अच्छा बोलती हैं, उर्दू भी अच्छा बोलती हैं, इंग्लिश भी दिल की बातें अच्छा करती हैं आप, और मेरे बालों पर बहुत कमेंट्स करती हैं. तो ये ओरिजिनल है, विग नहीं है. ये अलग बात है कि मैंने बिग बॉस में काम किया, सुनील पाल का विग है, मेरा विग नहीं है, मेरा ओरिजिनल. स्वाति जी को दो लाइन अपने अंदाज में सुना देता हूँ सर, ताकि आप सबको लगे मैं ओरिजिनली हूँ, क्योंकि आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते हैं. स्वाति जी आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है, आप टाटा का नमक खाएं, आप में आयोडीन की कमी है. थैंक यू. एहसान जी के साथ
जब भी हम मंच पर होते हैं तो हमारी ये दोस्ती चलती रहती है, दोस्ती की बातें. फिलहाल वी हैव पेंटर सर हियर विद अस. सर वी लाइक, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है हमारा और आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस डे कि ये लॉन्च होगा इन अ बिग वे और हमारी शुभकामनाएं हमारा आशीर्वाद इनके साथ है और इसका बाप तो मेरा भांजा था योधन और ये अब लॉन्च हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरे भांजे का बेटा लॉन्च हो रहा है तो मामा तो बहुत ग्रैंड मामा बहुत खुश होगा एंड वी आर डूइंग अ प्ले टुगेदर. हम लोग एक प्ले कर रहे हैं जो इनके पिताश्री ने डायरेक्ट किया है कॉल्ड महाभारत. बिल्कुल एकदम फिल्मी हो गया है मतलब हर जगह हंट चालू था wherever you are going कॉफी शॉप से लेकर पार्टी तक. और ये फैक्ट है जितने मैंने ऑडिशंस लिए जो भी मैंने देखा उसमें हमें मेरी फिल्म के अकॉर्डिंग जो हमने विजुअल हमने देखा है वो चीजें मिली हैं बट ऑल ऑफ फोर फाइव नो ऑडिशन लाइक सिलेक्शन बिकॉज़ होता है ना कि एक बार देखा एक बार तो ही और मजा आ गया यही तो चाहिए था मुझे नहीं तो इस तरीके से हमारी कास्टिंग क्लोज हुई एंड अब हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं. काफी सारी मुश्किलें भी आई हैं हमारे पास बट नाउ वी आर परफेक्टली ओके ग्रेट एंड स्पेशली इस चीज को आगे बढ़ाने में हमारे वन कलीग जो यहां पे मिसिंग है मिस्टर राकेश भाई अगर आप हो तो प्लीज कम ऑन स्टेज. उन्होंने बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किए हैं जो यहां तक उन्होंने पहुंचाया है. उसके बाद हमारे सेकेंड हमारे जो पिलर हैं जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं वो है हमारे राठी साहब. इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया हमें. इसके बाद जो हमारे थर्ड पिलर है वो है हमारे मिस्टर एंथोनी एज अ को प्रोड्यूसर. इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है. अगर ये नहीं होते तो शायद हम इतने आगे तक नहीं सोच रहे. तो मैं भी चाहूंगा मिस्टर एंथोनी से कि वो भी कुछ दो वर्ड बोले इस फिल्म के लिए. And it's beautiful that I met Arjun through my one of my colleagues whom I had made a movie before. And I thank this is the best setup. He was proposing a lot of projects, but this is the best setup I have ever come across. And I met these people are all professionals. And I thank all of you, my co-producers, for giving me this chance to become a producer in this program. Thank you. Thank you, so everybody put your hands together for Mr. Puneet Issar. Thank you, sir. We were waiting for you. बहुत ही बेसब्री से हमें आपका इंतजार था. हमने इतनी सारी बातें की फिल्म को लेकर प्रोजेक्ट को लेकर एंड अब हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि क्योंकि आप के लिए ताले हो जाए फ्रॉम दिस बेस वॉइस अमेजिंग. जी मैं ये कहना चाहूंगा सर पहले तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लस जो डायरेक्टर हैं राजेश जी सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा बधाई देना चाहूँगा. और जब सिद्धांत ने मुझसे आके कहा कि पुनीत के डायरेक्ट मैं एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गया था मैं करके आया हूँ और मैंने नरेशन से मुझे बहुत अच्छा लगा तो एक एज एक पिता होने के नाते डेफिनेटली एक बहुत ही खुशी महसूस होती है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इसने अपने दम पर अपने बल पर खुद गया ऑडिशन दिया और जाके खुद ये मेहनत करके आया है. तो दैट वाज ये मेरे लिए बहुत ही एक टचिंग मोमेंट था. और तो मैंने कहा कि बेटा गॉड ब्लेस यू आप 5 साल से थिएटर कर रहे हो यू आर डूइंग थिएटर विद मी बाहर भी आप कर रहे हो और आपको ये अगर अपने बलबूते पे आपने ऑडिशन देने के बाद आपको सिलेक्ट किया गया है दैट मीन्स यू हैव अराइव्ड और ईश्वर आपको शुभकामनाएं दे भगवान करे आप तरक्की करें. सो वेरी हैप्पी. फिर उन्होंने जो मुझे आइडिया सुना मुझे देखा ये क्राइम थ्रिलर जॉनर है और ये करना चाहिए और प्लस एबल हैंड्स के हाथ में राजेश जी को कौन नहीं जानता तो बढ़िया इन्होंने काम अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई है. तो इज मतलब ना कहते हैं एकदम ही सीजन डायरेक्टर हैं काम कर चुके हैं तो विश देम ऑल द बेस्ट. Last
written by Rajiv Yogendranath and our outdoor media partner Yogesh Lakhani ji is also here. Main unhe stage par Dr. Yogesh Lakhani from Bright Outdoors. विदेश से तो वो मिला ना सर्टिफिकेट मिला ना उसको. Best wishes to our amazing team, our producers, co-producers, our star cast. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गेस्ट का जो यहाँ आए हैं अपने बेस्ट विशेष के लिए. मोबाइल सर यहाँ पुनीत जी पुनीत सर सर ऑनवर्ड इनको इस तरह बोला ना राम जी सर ये बाजू ले लो हम मत ले बोलते सर क्या हो गया तो मत ये भी ऊपर से हो सर फुल राइट मैडम बोल दो फुल राइट फुल राइट ले लो ना वीनो आप इधर जा जितना शक्ति रहेगा उतना लूंगा सर लेफ्ट में राइट में एंड आवर डायरेक्टर राजेश की राठी सर वी लाइक टू हैव यू ऑन स्टेज फॉर दिस फोटोग्राफ पीछे जा पीछे जा पीछे जा पीछे जा पीछे जा प्रोड्यूसर्स गणेश जी वुड लाइक यू टू से अ फ्यू वर्ड्स रुकिए मैडम रुकिए पहले क्या कहना है थैंक यू वीडियो के लिए सर एक गणेश जी यस गणेश जी प्लीज गिव योर बेस्ट विशेस भाई मैं यही कहूंगा कि गणेश जी हम लोग का कई सालों का रिश्ता है और उनका बेटा लॉन्च हो रहा है था तो बहुत और बेस्ट यू ऑल द बेस्ट मेरे लायक कुछ भी होगा इसमें तो मैं जरूर करूंगा एकदम आंखें बंद करके और इसके प्रोड्यूसर है रवि सिंह जो मेरे पास भी थे उनके साथ कुछ और उनके पार्टनर है और राजेश जी आप ऑल द बेस्ट एंड भगवान के लिए लास्ट दिन बहुत सारे की जो वेरी गुड मैं में लॉन्च हुई फिर भी बड़े लोग इन्वॉल्व हुए पूरा इंडस्ट्री के लोग हैं बहुत तजुर्बेदार हैं और पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी और सिद्धार्थ का लॉन्च प्रोजेक्ट हो रहे थे बनेंगे उनको बिना जी का भी योगदान होगा इसका तो सभी लोगों का योगदान मिलकर एक अच्छी पिक्चर बन जाएगी और इसको तो लोग समझ देंगे वन पिक्चर हाँ जी सामने सर यहाँ पे Good evening, ladies and gentlemen. Yogesh bhai, क्या हुआ? भाई एक साथ में। सर थोड़ा close आइए। हाँ ये है। यार definitely anything. योगेश भाई इस तरफ आइए ना सर के यहाँ पर सर गिव द बोथ पिक्चर प्लीज
या हाँ या अरे थैंक यू चलो चलो रूपा दत्ता एक्टिंग एकेडमी ये वो एकेडमी है जिसे इंग्लिश में नोबेल है सच ए लॉन्ग जर्नी एक लंबी यात्रा के बाद आ रहा है जा रहा है बंगाल के साधारण मिडिल क्लास से पहुंचाया है सर आज की ये शाम सर एक एक क्लास फोटो रूपा दत्ता एकेडमी के नाम होने वाली है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए जिसे सम्मानित करने के लिए